हमीरपुर में चल रही हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 70 कॉलेजों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रो कबड्डी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। कबड्डी में प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों ने हिमाचल में खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं मिलने पर मलाल जताया है। गौतम कॉलेज के प्रिंसिपल रजनीश गौतम ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 17 अक्टूबर को किया जाएगा और समापन अवसर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता में शामिल कोच ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। खिलाड़ी ने बताया कि हिमाचल में कबड्डी की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं देने के लिए काम किया जाए। प्रदेश में युवा पीढ़ी के पांव नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ताजा मामले में हमीरपुर जिला के सुजानपुर के चौगान में दो युवतियां दिन दहाड़े नशे में धुत मिली हैं। युवतियां नशे में इतनी खो गई हैं कि एक युवती जमीन पर बेसुध होकर लेटी है तो दूसरी युवती उल्टियां मार रही है। सुजानपुर में इस तरह युवतियों के नशे में धुत होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में ना तो पुलिस को कोई सूचना मिली है, ना ही किसी ने इसकी शिकायत की है। वीडियो में सुजानपुर चौगान में स्थापित कला मंच पर दो युवतियों को नशे में धुत दिख रही हैं। इनमें से एक नीचे लेट गई है और दूसरे से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। किसी ने वीडियो कैमरे में कैद करके इसे वायरल कर दिया है। इस मामले में एएसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में पुलिस युवकों के साथ युवतियों का पता लगा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है, फिर भी पुलिस छानबीन में जुटी है। हमीरपुर के निजी अस्पताल में रसौली के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से हुई मौत मामले में परिजनों ने 3 दिनों के अल्टीमेटम के बाद आज हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में अस्पताल व दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई, तो वहीं उप घटना के दिन पुलिस अधिकारी द्वारा लोगों के साथ अभद्र व्यवहार और पिस्तौल दिखाने पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने के लिए मृतक के पति के साथ मायके व ससुराल पक्ष के सदस्यों के अलावा जिला परिषद सदस्य डिंपल शर्मा, दो पंचायतों के प्रधान व जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन भारती मौजूद रहे। उपायुक्त हमीरपुर ने लोगों को 3 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई की जांच करने व अस्पताल के खिलाफ मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही। उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय पहुंचे लोगों ने प्रशासन के द्वारा की जा रही जाँच को निष्पक्ष ढंग से करने व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो लोग जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के साथ ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। ब्रालड़ी पंचायत के प्रधान अमनदीप ने कहा कि जिला प्रशासन को अस्पताल व दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। नितिका के पति अरुण शर्मा ने कहा कि अस्पताल के गलत रवैये के कारण सारी घटना हुई है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो। भंडेरा पंचायत के प्रधान ने कहा कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने लोगों को 3 दिन के अंदर पुलिस कार्रवाई की जांच करने व अस्पताल के खिलाफ मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में एसपी अरिजीत सेन ने कहा कि
पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर ली है और अभी मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले में स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर एक्सपर्ट रिपोर्ट देने को भी कहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर इकाई ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष सूरज जरियाल, इकाई सचिव अंकिता शर्मा और हमीरपुर नगर मंत्री रोबिन ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में इकाई अध्यक्ष सूरज ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी हुई है। सूरज ने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। पिछले 10 वर्षों से ये विश्वविद्यालय विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से यह विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है। आज तक विश्वविद्यालय को सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया, जो कि शर्मनाक है। आए दिन प्रदेश सरकार से नए नए नियम इस विश्वविद्यालय के लिए लागू किए जा रहे हैं, जो कि राजनीति से प्रेरित हैं। पिछले कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी नया पाठ्यक्रम नई भर्ती ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग ने तुगलकी फरमान सुनाया है।